हेलो एवरीवन वेलकम टू एस वन कोचिंग सेंटर एस वन कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे ठीक है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी सी तो ए डी सी का फुल फॉर्म क्या है तो ए डी सी का फुल फॉर्म है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर ठीक है ए डी सी का फुल फॉर्म क्या है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए आई तो ए आई का फुल फॉर्म क्या है तो ए आई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एल जी ओ एल तो ए एल जी ओ एल का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज क्या है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू तो एल यू का फुल फॉर्म क्या है ए एल यू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है और जान लीजिए कि ए एल यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्सर किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है यहाँ से ए एल यू का फुल फॉर्म क्या है तो क्या है एएल यू का फुल फॉर्म वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसके बाद देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एस सी आई आई का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ठीक है उसके बाद देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसके बाद है व्हाट वर्म ऑफ बार्क बी ए आर सी तो बार्क का फुल फॉर्म क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक बी एस आई सी तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड क्या है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कॉड उसके बाद है वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बी आई ओ एस तो बी आई ओ एस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फिर उसके बाद है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी एस एन एल तो बी एस एन एल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड फिर है वाट इज़ द फॉर्म ऑफ सी ए डी तो सी ए डी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी एम सी एम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी डी तो सी डी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी डी रोम सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ठीक है और एक चीज जान लीजिए कि इस वीडियो में हम लोग टॉप सेवेंटी फुल फॉर्म को देखेंगे ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड वो सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में सत्तर फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे उसके बाद देखिए अगला कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सी डी आर डब्लू तो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट फिर उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबॉल सी ओ बी ओ एल तो सी ओ बी ओ एल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखिए सीपीयू भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से फुल फॉर्म उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी तो सी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी यू सी यू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेक डी ए सी तो डी ए सी का फुल फॉर्म है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल तो डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है तो डीसीएल का फुल फॉर्म है डिजिटल कमांड लैंग्वेज फिर अगला है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डीएनएस डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है तो डी एन एस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम फिर उसके बाद अगला देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी पी आई तो डी पी आई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच क्या है डॉट्स पर इंच फिर उसके बाद देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी आर डी ओ देखिए डी आर डी ओ ये पिछला ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि डी आर डी ओ का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए डी आर डी ओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों हो सकता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं तो डीवीडी का फुल फॉर्म दोनों होता है तो डीवीडी का फुल फॉर्म दोनों होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क ठीक उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल फिर अगला है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स तो ई e कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फिर उसके बाद अगला है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम तो ई e प्रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी उसके बाद है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनाइक ई एन आई ए सी तो एन -like का फुल फॉर्म क्या है तो एनआईक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नोमरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्योमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ टीपी पी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिर अगला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म तो जी यू आई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी यू आई ये भी पूछा गया क्वेश्चन से तो जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके बाद है व्हाट इज द फुल फुलच टी टीपी तो एच टी टीपी का फुल फॉर्म क्या है एच टी टी पी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिर उसके बाद अगला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई बी एम तो आई बी एम का फुल फॉर्म क्या है तो आई बी एम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एस डी एन तो आई एस डी एन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई टी तो आई टी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी का फुल फॉर्म क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बाद देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम एल तो देखिए ये भी स्टार मार्क है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या है तो एस टी एम एल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फिर उसके बाद है कि वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ के बी पी एस तो के बी पी एस का फुल फॉर्म है किलो बाइट पर सेकेंड किलो बाइट पर सेकेंड फिर अगला देखिए अगला है कि इज द फुल फॉर्म ऑफ किल ए एन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क क्या है लोकल एरिया नेटवर्क फिर अगला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल सी डी तो एल सी डी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल एन तो एम ए एन का फुल फॉर्म है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क क्या है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम बी तो एम बी का फुल फॉर्म है मेगा वाइट उसके बाद देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुलर ये भी देखिए स्टार मार्क है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है तो एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या है तो एम आई सी आर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर क्या है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है तो मॉडेम का फुल फॉर्म है डी मोडर उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस तो एमएस एक्सिस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस देखिए एमएस से रिलेटेड जितने भी इस टाइप का फुल फॉर्म होता है उसका एमएस का तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है बाकी जो होगा उसका वही हो जाएगा जैसे अगला देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा एमएस का माइक्रोसॉफ्ट और डी ओ एस का क्या होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा उसी प्रकार वर्ड वर्ड तो MS Word का फुल फॉर्म होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा ठीक है अगला देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम एस एक्सिल तो ये भी उसी टाइप का है तो एम एस एक्सिल का फुल फॉर्म क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम टी एन एल क्या है एम टी एन एल ये भी देखिए स्टार मार्क है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है तो MTNL का फुल फॉर्म क्या है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड क्या है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फिर है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ तो आर का फुल फॉर्म क्या है तो ओ का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ओ तो एम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा वो तो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर फिर देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस तो देखिए ओएस ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर से भी जानते हैं तो यानी कि तो यानी कि पीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा फिर देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम आर ए एम तो आर ए एम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी यह भी पूछा गया सवाल है आर ए एम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फुलर ओ एम ये भी पूछा गया है तो आर ओ एम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी फिर देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी सी पी आई पी तो टी सी पी या आई पी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल तो यू आर एल का फुल फॉर्म क्या है तो यू आर एल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर क्या है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर ये भी पूछा गया सवाल है फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू ये भी पूछा गया है तो यू का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू तो वीडी का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भी तो वी का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भी तो भी एस एन एल का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड यह भी पूछा गया है का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैन WAN ए एन तो यह भी पूछा गया है तो WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डब्लू एल एल तो WLL एल एल का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप क्या है वायरलेस लोकल लूप फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ओ आर एम तो डब्ल्यू ओ आर एम का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी राइट वंस रीड मैनी फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू 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 तो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या हो जाएगा डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब उसके बाद है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबी टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये होता है गीगाबाइट उसके बाद देखिए लास्ट में जान लीजिए अंतिम में कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लीजिए बहुत जरूरी है तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च क्या है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च तो ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग कुल सत्तर क्वेश्चंस को देखें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग